नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्लेकार्ड को लेकर 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को दर्शाते हुए मिर्जापुर बॉस पब्लिक स्कूल नारायणपुर में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह मनाया गया। 159 विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी ब्रजेश कुमार वर्मा उर्फ टिल्लू भैया ने किया गांव गांव सज्जन संपर्क। छात्रा को ट्रक ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट, इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ लो। ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। अब खबर विस्तार से। वाराणसी संसदीय क्षेत्र बनारस में आज भाजपा युवा मोर्चा लम्हई मंडल द्वारा आज चांदमारी चौराहे पर प्ले कार्ड लेकर 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया। अध्यक्ष शिशिर सिंह, विक्की, महामंत्री कृपाशंकर गुप्ता जी, जिला मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी रोहित राय जी एवं अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे, जिसका एक झलक देखने को मिला। वाराणसी मंडल ब्यूरो नागेंद्र कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। मिर्जापुर नारायणपुर, मिर्जापुर वोश पब्लिक स्कूल नारायणपुर में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें सेवा निवृत्त अधीक्षण अभियंता इंजीनियर राज बहादुर सिंह ने संत रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके किया। बोश पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत व विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य वक्ता इंजीनियर राज बहादुर सिंह ने बताया कि संत रविदास एक समाज सुधारक थे। वो समाज के लिए अपने जीवन को सदा संजय राष्ट्र के प्रति समर्पित किए। उनका जन्म बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिर गोवर्धन में हुआ था। उनकी जयंती को मनाने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं। 159 विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी ब्रजेश कुमार वर्मा और टिल्लू भैया ने गांव गांव जाकर जनसंपर्क किया। बिलग्राम मल्लामा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार वर्मा और टिल्लू भैया ने अपने समर्थकों के साथ गांव गांव जनसंपर्क किया। इस दौरान सपा प्रत्याशी ने अखिलेश सरकार द्वारा की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश के दौरान महिलाओं को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसलिए 108 एम्बुलेंस 102 जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे माताओं बहनों को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। अपराध को नियंत्रण करने के लिए डायट 100 जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। छात्रों को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, चालक पुलिस के हवाले है। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ हाईवे रोड 4 बिजगंज मोड़ पर लखनऊ के तरफ से गिट्टी लदा हुआ ट्रक आ रहा था। छात्रा को जोरदार टक्कर मारी, टक्कर गंभीर रूप से हुई। घायल आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को सूचना दी गई। 112 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, सूचना पर 108 एम्बुलेंस पर लादकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि छात्रा शालिनी फोरबिसगंज काशीराम कॉलोनी अपने घर से LBS डिग्री कॉलेज साइकिल से पढ़ने जा रही थी। फोरबिसगंज मोड़ ट्रक्स ने जोरदार वहां पर टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों ने जिला अस्पताल भिजवाया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्कूल आ रही थी, ट्रक एक्सीडेंट में उसकी जिला अस्पताल ले जाते हुए अस्पताल में डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। थोड़ा सा बताएं क्या कॉलेज खुला था और क्या जानकारी है कुछ थोड़ा? देखिए, कॉलेज DA कैंपस में निर्वाचन की ट्रेनिंग चल रही है, तो 14 से 24 तक यहाँ कक्षाएं स्थगित हैं, केवल ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। तो वो टीचर आते हैं, लड़के उसमें नहीं आते। BSC कैंपस में निर्वाचन का कार्य नहीं है, तो BSC कैंपस की कक्षाएँ यथावत चल रही हैं। इसी बीच निर्वाचन के जागरूकता से संबंधित विविध कार्यक्रम भी जिले में हो रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि लड़की कोई अपने व्यक्तिगत काम से या किसी अन्य काम से आ रही हो, लेकिन उसकी आपके द्वारा श्री रामनारायण जायसवाल जी द्वारा ये सूचना भी अभी प्रदान की गई कि इस लड़की की इस तरह से मार्मिक उसकी डेथ हो गई है और उसके प्रति कॉलेज परिवार दुखी है। उसकी अमृत आत्मा की शांति के लिए हम सब 11 बजे महाविद्यालय में एक परंपरा है, 11 बजे हम एक शोक संदेश करेंगे। उस लड़की के एड्रेस पर महाविद्यालय की तरफ से संवेदना पहुंचा दी जाएगी और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हों, इसके लिए हम सबको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। एक छात्रा कॉलेज के पढ़ने वाली एक्सीडेंट में आई थी,
तो थोड़ा बताएं इसमें क्या है, इस दिन क्या करीब 9 बजे जो सुबह जो है एक छात्रा जो है सलोनी नाम है उसका, 19 साल की, एक्सीडेंट हो गया है। उसकी कंडीशन बहुत ही पुअर थी, कंडीशन बहुत ही खराब थी उसकी, क्योंकि पूरा अपडामन उसका बस्ट है, वेंटेज टाइम बाहर आ रही है। उसको भर्ती कर लिया गया था, इलाज हो रहा है, सर्जन साहब ने देख लिया है, बाकी उसे रिफ़र कर दिया है उसको लखनऊ में जाने। नहीं रिफ़र हो तब तक जो हो कंडीशन वो ले नहीं जा पाए और इतनी देर में एक्सपायर हो गई। बांदा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। बांदा जनपद के बबेरू विधानसभा क्षेत्र 233 के अंतर्गत मरका में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद बुधवार को 2 बजे के लगभग हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचकर जनसभा को संबोधित किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर लोगों को मतदान करने को कहा। जनसभा में पार्टी के पदाधिकारियों व निषाद पार्टी एवं अपना दल पार्टी के कार्यकर्ता लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। बबेरू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय सिंह पटेल के समर्थन में बुधवार को 2 बजे के आसपास निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हेलीकॉप्टर के द्वारा मरका पहुंचकर जनसभा को संबोधित किए और विरोधियों के ऊपर जमकर निशाना साधा और कहा कि निषाद समाज के लोगों का हर पार्टी के द्वारा उपेक्षा किया जाता है, ये सिर्फ भाजपा में ही निषाद बिरादरी के लोगों का सम्मान मिला है। क्या यहाँ पर जनता से आपको ये जनता मोदी योगी रख रही है, कमल चुनाव चिन्ह इंतजार कर रही है, आज ही वोट पड़े तो आज ही वोट बटन दबा के सरकार बनाने के लिए तैयार है। आज के दिन पूरी जीत भारतीय जनता पार्टी की है, पटेल जी हमारे प्रतिनिधि हैं, इनके विधायक हैं और इन्हें जिताकर विधानसभा में भेजने के लिए संकल्प लिया है। डॉक्टर संजय मछुआरों की नेतृत्व करते हैं, उनके साथ निर्बलों की नेतृत्व करते हैं, सारे निर्बलों को भोजन भारतीय जनता पार्टी दे रही है, किसानों को उनको सम्मान दे रही है, मकान दे रही है। आज के दिन में किसी ने नहीं पूछा था गरीबों को, सीधे उनके खाते में पैसा दे रही है। कभी राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 85-20 में दलाल खा जाते हैं, 15 गरीब भेजता है। मैं मोदी जी योगी को धन्यवाद देने आया था, ये जनता उन्हें धन्यवाद दिया है कि सीधे उनके खाते में पैसा जाता है और सीधे उनका अनाज जा रहा है। और जितने भी भ्रष्टाचारी जितने भी माफिया थे उत्तर प्रदेश पलायन हो चुका है और 2022 में एनडीए की सरकार। कई जगह आप जनसभा किए हैं, आप किससे लड़ाई मान रहे हैं? किसी कोई लड़ाई नहीं है, 80% हमारा है, 20 में बंटवारा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। लो ये कहाँ गया रिकी? दादी ये रहे आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। पहला दिन है, एंजॉय करना हूँ। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या शैलेश कुमार पांडे के द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जनपद के सभी संवेदनशील बूथों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। मतदान केंद्र पर प्रकाश व्यवस्था सहित परिसर में बने शौचालय का भी निरीक्षण किया व बाहर से आने वाले पुलिस कर्मियों के रुकने की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या श्री शैलेश कुमार पांडे विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जनपद के संवेदनशील बूथों का भ्रमण किए, ग्राम प्रधान स्थानीय लोगों से वार्ता कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने की अपील की व किसी प्रकार का प्रलोभन आदि देने की शिकायत की सूचना मिलने पर कंट्रोल रूम पर देने को कही। परिंदा भी पर न मार सके, इस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 17 फरवरी से जिले के त्रिवेणीगंज में मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ होगी। परीक्षा को लेकर त्रिवेणीगंज में 5 केंद्र बनाए गए जबकि उसी केंद्र में से 1 केंद्र को मॉडल के रूप में बनाया गया है। हालांकि लड़की के लिए अलग केंद्र चिन्हित किए गए हैं और लड़कों के लिए अलग, जिसको लेकर बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी एसजेड हसन ने त्रिवेणीगंज में बने परीक्षा केंद्र पर खुद पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में एसडीओ ने 5 केंद्रों के संचालक से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसमें मुख्य क्लासरूम, बैठने की व्यवस्था, बेंच, डेस्क, सैनिटाइजर, बोर्ड, बाथरूम, पानी की सुविधा आदि, साथ ही उक्त केंद्रों में दिव्यांग कोविड संदिग्ध अभ्यर्थी को बैठने की व्यवस्था के संबंध में लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मैट्रिक की प्रारंभ हो रही है, 17 से 24 तक परीक्षा चलेगी। 5 सेंटर है यहाँ पे, 3 है लड़कियों का सेंटर और 2 है लड़कों का सेंटर। सभी जगह भिक्षक के साथ बैठक की गई, उसे निर्देशित किया गया है कि बच्चे तो मोबाइल के साथ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ तो नहीं ही आएंगे,
हमारे टीचर और शिक्षक मजिस्ट्रेट पुलिस वाले भी जहाँ परीक्षा कक्ष हो रहा है एग्ज़ाम वहाँ पे मोबाइल बिल्कुल साथ नहीं रखेंगे। धारा 144 लागू है, परिजन 500 गज की दूरी में अगर पाए जाएंगे तो गिरफ्तारी होगी, एग्जामिशन एक्ट के तहत उन पर भी कार्रवाई होगी। अगर कोई बच्चा चीट के साथ पकड़ाता है या कोई बच्चा दूसरे के बदले कोई दूसरा देता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी जो एक्ट का प्रोविजन है। तो ये सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज की समीक्षात्मक बैठक की गई, सभी केंद्रों पे हमने बैठक कर लिया है और CCTV भी सभी केंद्रों पे लगाया गया है, वीडियोग्राफी है, दंडाधिकारी पुलिस बल पर्याप्त हैं। तो हर हाल में कदाचार मुक्त परीक्षा कराना है और पूरे जो प्रशासनिक महकमे हैं और शिक्षा विभाग के महकमे हैं सभी लोगों को मिलजुल कर इस काम को भी हम लोग खत्म करेंगे, जैसे इंटर परीक्षा हम लोगों ने शांतिपूर्वक कराया है। 159 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष पाल ने बिलग्राम कस्बे में जनसंपर्क किया। हरदोई बिलगांव मल्लावा 159 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष पाल ने बिलग्राम नगर भ्रमण कर अपनी ताकत का एहसास कराया। वहीं माताओं बहनों से आशीर्वाद लेते हुए अपील की कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी बहुमत से जिताएं, जिससे आपका बेटा आपकी परेशानी को विधानसभा पहुंचकर अपनी मांगों को हक के साथ कहने का काम करेगा। सुभाष पाल ने जन जन से अपील की कि एक बार सेवा का मौका देकर अपने बेटे अपने भाई को आजमाने का काम करें। इस दौरान चेयरमैन हबीब नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव कुमार पाल, पूर्व प्रधान दयाशंकर पाल और समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वाराणसी में आज 385 विधानसभा अजगरा भाजपा अधिकृत प्रत्याशी त्रिभुवन राम जी के नामांकन में अपने सभी युवा साथियों के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ सम्मिलित हुआ। धन्यवाद करता हूं अपने सभी युवा साथियों का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और हमारे शुभचिंतकों का कि उनकी वजह से ये नामांकन ऐतिहासिक नामांकन के रूप में तब्दील हुआ। बड़े भैया अमन सोनकर जिला अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया प्रभारी रोहित राय, भाजपा युवा मोर्चा युवा साथी पंकज तिवारी, जिला मंत्री भाजयुमो नमन श्रीवास्तव, जिला कार्य समिति सदस्य सुजीत पटेल, जिला कार्य समिति सदस्य गगन चौबे और कार्य समिति सदस्य अनिल पांडे, सुजीत चिक्की, अमित दीक्षित, आयुष सिंह, शिवम सिंह, सैकड़ों की तादाद में युवा साथी सम्मिलित रहे जिनके एक झलक देखने को मिला। बुधवार को SGO SZ हसन ने त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर इंद्रदेव मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कई त्रुटियां सामने आई। SGO ने अस्पताल मैनेजर को कड़ी फटकार लगाई, कहा व्यवस्था जल्द सुधार करें नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। SGO अस्पताल पहुंचकर अस्पताल की OPD व्यवस्था का जायजा लिया। यहां मरीजों की लंबी भीड़ थी, वे ड्यूटी पर रोस्टर के हिसाब से चिकित्सकों को जानकारी ली। उन्होंने एक्सरे केंद्र व ड्रेसिंग रूम का भी जायजा लिया। ड्रेसिंग रूम में गंदगी देखकर कंपाउंड को सफाई का ख्याल रखने का निर्देश दिया। तत्पश्चात उन्होंने प्रसव कक्ष, ऑपरेशन रूम व वार्ड का जायजा लिया। मरीजों से मिलकर उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। अब पेशेंट की आवाजाही बढ़ गई है, ऐसी परिस्थिति में बंध्याकरण ऑपरेशन का भी काम चल रहा है, तो जो रजिस्ट्रेशन ओवर हो जा रहा है लोग, अब क्योंकि बहुत दिन से ऑपरेशन नहीं हुआ, लोगों की भीड़ बढ़ जा रही है, तो जो कैपेसिटी इस हॉस्पिटल का है, जैसा हेल्थ मैनेजर ने बनाया कि 25 लोगों का बंध्याकरण ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि कल 77 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया था और आज फिर 33 आदमी का रजिस्ट्रेशन हो गया, कल लगभग 30 लोगों के आसपास बता रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ था, तो अब उसको लिमिट कर दिया गया आज का रजिस्ट्रेशन और कल का, तो कल वाले जो बचे हुए हैं उसको आज उसका ऑपरेशन होगा और जो आज वाले रजिस्ट्रेशन है जो आज नहीं उसमें आएंगे तो कल होगा। तो आज जितना रजिस्ट्रेशन हो गया अभी से स्टॉप है, अब जब ये पूरा बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा सेम डेट में ऑपरेशन हो जाएगा और 25 से अधिक रजिस्ट्रेशन नहीं होना है और जो जिनको ऑपरेशन कराना है वो सीधा आएंगे, कोई दूसरा बिचौलिया या अन्य लोगों के माध्यम से शिकायत मिल रही है कि यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, तो ऑपरेटर को एकदम सख्त निर्देश दिया गया है कि आप 25 का ऑपरेशन ये निबंधन कराइए, फिर उसकी जांच हो जाएगी, जो एलिजिबल होंगे ऑपरेशन के लिए फिर उसका ऑपरेशन होगा। बिचौलिए के लिए सर क्या है, कोई भी बिचौलिया इत्यादि कोई भी अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कहीं कुछ नहीं है। बाकी जो है अभी जो पेशेंट है, भीड़ है, OPD में लगभग 46 लोगों की जांच की गई है, कुछ डिलीवरी पेशेंट हैं 3 के आसपास, आउटसोर्सिंग वाली को भी हिदायत दिया गया है उनके गार्ड को कि बिल्कुल अपने ड्यूटी पर हैं, तैनात रहें, अब क्योंकि पेशेंट का भीड़ बढ़ेगा तो ये सारे बिंदु पर औचक निरीक्षण करके जो आवश्यक निर्देश हैं उनको निर्देशित किया गया। सर एक चीज़ अस्पताल। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए लाइव TV समाचार के साथ। नमस्कार।